हेलो एवरीवन, आज मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है एंड अ वेरी प्राउड मोमेंट आल्सो, बिकॉज मेरे साथ में बैठी हुई है रशीदा हैदरी. शी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड ये हमारे साथ में फाउंडेशन में आई थी. शी वाज द टॉपर ऑफ फाउंडेशन. रशीदा, व्हाट वाज योर स्कोर? 310 आउट ऑफ 400 एंड यू स्कोर द हाईएस्ट एट पेस. एंड उसके बाद शी मेड अस प्राउड अगेन, क्योंकि इंटर में वापस से शी स्कोर द हाईएस्ट. रशीदा, एक बार आप अपने आप से बोलिए, व्हाट वाज द स्कोर? 400 आउट ऑफ 600. तो रशीदा, सबसे पहले बताओ, हाउ आर यू फीलिंग? सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ, आई डोंट नो, एंड दिस फीलिंग कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू एंड वी आर ऑल एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू. तो रशीदा, आई रिमेम्बर जब आप फाउंडेशन में आए थे, आप अकाउंट्स बहुत पढ़ते थे. तो आई आस्क यू वंस कि रशीदा, व्हाई सो मच ऑफ अकाउंट्स? तो आपने बोला था मैं साइंस बैकग्राउंड से. तो रशीदा, हाउ डिड यू कम इनटू सीए? और उसके पहले आपकी थोड़ी सी स्कूल की जर्नी बताओ. स्कूल में साइंस मैंने पीयर प्रेशर में ले लिया था, सारे दोस्त ले रहे थे, बस इसलिए ले लिया था. बट उसके बाद रियलाइज हुआ कि फाइनेंस के लिए बने अपन, साइंस के लिए नहीं बने. फाइनेंस में कुछ करना है तो साइंस छोड़ के कॉमर्स के सबसे टफ कोर्स में आए हैं. और मैंने पूरा कॉमर्स चालू ही पेज से किया था, पढ़ना स्टार्ट ही यहीं से किया था. अकाउंट्स मनोज सर ने पढ़ाया था, इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर. एंड सारे टीचर्स फाउंडेशन में बहुत सपोर्टिंग थे एंड उनके कारण ही मोटिवेशन आया था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में फाउंडेशन निकला है, इंटर भी निकलेगा, बोथ ग्रुप्स निकलेगा और फिर वो निकल भी गया. वाओ. लेकिन रशीदा, यू टोल्ड मी दैट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इंटर, तो थोड़ा सा आपको बहुत लाइक यू वर फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड स्टिल यू कुड डू इट, और केवल यू कुडंट डू इट, लाइक यू कुड डू इट विद सच अ फैबुलस स्कोर. तो एक बार आप बताइए कि क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे एंड व्हाट हैपेंड एक्चुअली? ओके, फिजिकली मेंटली हर तरह से बहुत सारे अप्स डाउन्स आते हैं, बहुत कुछ होता है आपकी लाइफ में एंड सब कुछ मैनेज करके पढ़ाई साथ में करना पड़ता है क्योंकि वो लाइफ का एक पार्ट है. तो उस चीज़ को हमेशा ये ऐसे ही रखना कि मुझे मेरे गोल पे फोकस करना है हमेशा से. आपकी टीचर्स आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे इस चीज़ के लिए, हमेशा समझाएंगे, उनकी बात हमेशा मानना, टीचर्स की एंड पेरेंट्स की. दे आर फैबुलस, उनसे बड़ा आपका मेंटर कोई नहीं हो सकता है. एंड अबाउट स्ट्रैटेजीज, इट वुड बी के बैकलॉग कभी मत रखना इंटर में, अगर तुम, क्योंकि इंटर का सिलेबस बहुत वास्ट है, फाउंडेशन से तो बहुत ही अलग है. तो कभी भी बैकलॉग नहीं रखना चाहिए, जितना भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में टाइम टू टाइम कंप्लीट करना, टीचर्स जब बोल रहे हैं तब के तब चीज़ें निपटाते जाना, पढ़ाई रोज करना है, सेल्फ स्टडी कोचिंग खत्म होने के बाद ही करना है. डायरेक्टली घर आके जितना कोचिंग पे पढ़ाया है घर आके बस इतना कर लो, और उसके बाद जो 4 महीने का हमारा स्टडी पीरियड होता है बस उस टाइम झोंक दो खुद को पढ़ाई में. 4 महीने सब कुछ छोड़ के अगर सिर्फ पढ़ सक, लेकिन सब कुछ छोड़ना, अपनी मेंटल हेल्थ का भी मत छोड़ना. आपके रमजान चल रहे थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, उसके बावजूद यू वे गिविंग योर बेस्ट. आप बता रहे थे कि आप बेड पे बैठ बैठ के पढ़ते थे एंड इट वाज अ डिफिकल्ट फेज फॉर यू. आई वाज वेरी सिक एंड चीजें बहुत कुछ इधर उधर हो रही थी लाइफ में, बट पढ़ाई पे सिर्फ हमेशा अपने गोल पे फोकस रखना है. एज आई सेड, बेड पे भी बैठ के अगर पढ़ाई करके आप स्कोर कर सकते हो, आई एम टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि अगर मैंने तब कर लिया है तो कोई भी इंसान कर सकता है. इट इज़ वेरी इजी अगर तुम फोकस्ड हो अपने गोल पर. एक आपने साइंस छोड़ करके इस पर्टिकुलर लाइन में एंटर किया, तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट, कि वाज इट द राइट डिसीजन? या इफ इट्स रिटन इन योर डेस्टिनी और तुम चाहते हो दिल से कि मुझे यही करना है तो इट इज़ द बेस्ट डिसीजन. प्लस अगर राइट मेंटर्स मिल रहे हैं सही टाइम पे तो फिर सब कुछ परफेक्ट ही होता है. हाउ वाज योर जर्नी एट पेस एंड इंटर? पेस एंड इंटर, आई स्टार्टेड माय पेस एज सून एज आई फिनिश्ड माय फाउंडेशन. मैंने रिजल्ट के पहले ही ज्वाइन कर लिया था पेस एंड सब कुछ टीचर्स ने गाइड किया है. टीचर्स ने जो जो बताते गए बस हम उनको ही फॉलो करते गए. लेक्चर्स भी छूटे हैं, बैकलॉग तो हर किसी के आते, बट दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक कि बैकलॉग कभी मत आने देना. टाइम टू टाइम सारी चीज़ें कंप्लीट करते जाना तो तुमको स्टडी पीरियड जब मिलेगा प्रेपरेशन टाइम उसमें दिक्कत कम आएगी. टीचर्स भी यही बोलते हैं कि टाइम टू टाइम सब कुछ कंप्लीट करना है. सेकेंडली, जो भी पढ़ाया जा रहा है टीचर्स की बातें सारी मानना, क्योंकि वो टेस्ट लेके रेगुलर टेस्ट इज द बिगेस्ट थिंग तुमको करना है वो रोज के रोज, तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी कि एग्जाम कैसे लिखना है.
तो रशीदा, आपने फाउंडेशन में टॉप किया, आपने इंटर में टॉप किया, क्या हमेशा से स्कूल में टॉप करते हुए आए हो? नहीं, स्कूल में मैंने टेंथ में टॉप नहीं किया था, बट मैंने ट्वेल्थ में टॉप किया था। वो भी साइंस में टॉप किया था। साइंस में टॉप किया था। तेरी शिफ्ट टू कॉमर्स और फिर से लेके टॉप किया। दैट वाज क्रेडिटेबल रशीदा। थैंक यू मैम। रशीदा, आपके जीवन में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन आप किसको मानते हो? माय मदर। या शी इज माय एवरीथिंग। She has taught me everything कि तुम क्या करना है क्या नहीं करना। She was there in my ups and downs। And अगर आपके पास अपना parents आपके backbone होते हैं, आपकी family, बस उनका उनके लिए करना। अगर किसी दिन किसी मोड़ पे ऐसा लग भी जाए ना कि नहीं बस अब छोड़ना है, सिर्फ उनकी तरफ देखना और एक बार खुद से बोलना कि इनके लिए कर लेते हैं। You told me कि पापा मम्मी आपकी एल्डर सिस्टर और आपकी छोटी सिस्टर तो आपके लिए टाइम टेबल बना रही थी। तो वो क्या इंसिडेंस था रशीदा? मैम, आई वॉज दैट टाइम मैम एग्जाम्स पोस्टपोन होने वाले थे हमारे, ऐसी सारी रूमर्स आ रही थी, बट एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए थे इलेक्शंस के कारण। एग्जैक्टली, सो एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए थे, बट मेरी बहन ने बोला, मैं रो दी थी उस दिन कि अब मैं अटेम्प्ट ही नहीं दे रही हूँ, लाइक अटेम्प्ट ही नहीं करूँगी यू भी फेल हो जाऊंगी एक महीने में। बहुत सारे बच्चे पोस्टपोन हो जाएंगे, आधे बच्चे इसी उम्मीद के कारण उनको अटेम्प्ट लग रहा है आई गेस अब सेप्टेम्बर का। बट मैंने तब उम्मीद छोड़ दी थी एंड माई सिस्टर सेट विथ मी एंड शी सेड कि रुक जा, अपन तेरा टाइम टेबल बनाते हैं एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ हो गया। पर तो आपने सब कुछ फर्स्ट शॉट में क्लियर किया एंड वो भी टॉपर के साथ में, एंड इंटर का तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है एंड दोनों ग्रुप्स एंड एट अ वंडरफुल स्कोर ऑफ 400। तो आपने बोला बैकलॉग नहीं रखना है एंड सब कुछ कवर अप करना है। आप कुछ बता रहे थे ना कि यू आर स्टडिंग ऑडिट ऑन डेली बेसिस। माय एडवाइस वुड बी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को आप रोज रोज पढ़िए, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप अपना टाइम टेबल ही ऐसे डिजाइन कर दिए कि हर दो घंटे आप दिन में एटलीस्ट दो घंटे हर थ्योरी सब्जेक्ट को दे रहे हैं। मैंने ऑडिट और लॉ दोनों में किया है, माय स्कोर इन ऑडिट वाज 74 एंड इन लॉ इज 77। इंडिविजुअल स्कोर्स बताओ। Individual score, I've got four exemptions out of six. Accounts it was 68, law 77, taxation 74, audit 74, cost 56 and FMSM 51. कोई ऐसी बात जो आपको टीचर की याद आती हो? प्रेरक सर यूज्ड टू से कि हर बार खुद पे भरोसा रखना, बस आई जितना मुझे याद है वो ही यूज टू से सम मुहावरा और समथिंग लाइक दैट, एंड उसका मतलब मैंने ऐसे क्रक्स निकाला था कि बस खुद पे हमेशा भरोसा रखता कि मैं कर लूँगी तो हो जाता है। एंड यू हैव डन इट आल्सो। सो रशीदा, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव जो अभी एस्पिरेंट्स हैं इंटर के, टू द एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स? आई वुड लाइक टू से कि हमेशा वन थिंग इज बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर फैमिली, कीप अप विथ योर मेंटल हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना, एंड अपना गोल अगर तुमने सी ए लिया है तो किसी ने फोर्स नहीं किया है, अपनी मर्जी से ही लिया है, तो मैंने लिया इसलिए मुझे करना है ये सोच के कर लेना, कितने भी अटैम्प्ट सच है अटैम्प्ट डजेंट मैटर अगर तुम्हारा दिल उस चीज़ के लिए है तो या हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रशीदा, इट वॉज वंडरफुल स्पीकिंग टू यू। थैंक यू।